हेलो दोस्तों, मैं हूं वंदना और आज मैं आपको कपड़े पे पेंटिंग करना बताऊंगी। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि हमको क्या चाहिए। सबसे पहले हम कपड़ा लेंगे, फिर पेंट, ब्रश। तो देखिए, हमने कपड़ा लिया हुआ है, ये हम पेंट लिए हुए हैं, रेड, ग्रीन और येलो कलर। आपको जो भी कलर से पेंट करना है, पेंटिंग आप करना चाहती हैं, वो आप कलर चूज कर सकती हैं। आप ब्रश ले लीजिए, ब्रश ये मोटा वाला है, 4 नंबर का ब्रश है, ये 0 पॉइंट ब्रश है। और तब हम आपको बता दें कि पेंटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पेंट करना। हमने डिजाइनिंग निकाल लिया, आपको भी बताएंगे। सबसे पहले आप डिजाइनिंग निकालिए, फिर जैसे हम बनाए हुए हैं आपके सामने, हम कुछ कलर किए हुए हैं पंखुड़ी, और आप देख सकते हैं कि एक पंखुड़ी हम छोड़ दिए हैं। तो हम आपको बता दें कि आप सबसे पहले मीडियम मीडियम भी आपको चाहिए। बहुत लोग पेंट में मीडियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि मीडियम का इस्तेमाल करके आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर आपका डिजाइनिंग आएगा और बहुत ही अच्छा पेंटिंग होगा। तो ये मीडियम खरीदना ना भूलें पेंट में मिलाने के लिए। जैसे में देखिए कि हम मिलाए हुए हैं इसमें पेंट और मीडियम। तो चलिए हम आपको बता दें पेंटिंग करना। सबसे पहले हम आपको बताए हैं अगले वीडियो में, सॉरी दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आपने आपको बताया है कि पेंटिंग हम किनारे से लेंगे, किनारे से पेंट करेंगे सबसे पहले। तो ये हम किनारे से शुरू किए। लाइनिंग के लिए आप पतला ब्रश यूज कीजिए, आपके लिए सुविधा होगा, अच्छा होगा। ये हमने किनारा पेंट किया और अब देखिए हम इसको पेंट कर रहे हैं। हम आपको बताए हैं जब भी पेंटिंग कीजिए लंबाई में पेंटिंग कीजिए, ताकि वो सूखने के बाद अच्छा लगे। देखिए दोस्तों, हम इसको पेंट किए। आपको बता दें कि बार बार आप ब्रश को धोते रहिए, ताकि अदर कलर इसमें न मिक्स हो। इसमें अब हम पीला कलर डालेंगे। मीडियम कैसे मिलाना है ये आप देख लीजिए। हम इसमें पीला कलर रखें, इसमें मीडियम की कुछ बूंदे हमने डाला और डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। ध्यान में रहे आपका पेंट इतना पतला ना हो कि कपड़े के उस पार चला जाए, बस इतना ही मीडियम डालिए जिसमें आपका कपड़ा वो पार ना कर सके। देखिए दोस्तों, अब आएंगे हम आपको पत्ती के बारे में बताते हैं, पत्ती पेंट करना। इसमें भी देखिए हमने ग्रीन में मीडियम मिलाया हुआ है, अब इसको मिलाएंगे। हम मिला चुके हैं। सबसे पहले हम लाइन जो बनाए हैं, इस लाइन को लेंगे, फिर किनारे को लेंगे, और फिर हम इसके बीच भाग को लेंगे। सुविधा के लिए हम आपको बता दें कि अगर आपका फूल छोटा है, फूल का साइज छोटा है, तो आप पतला ब्रश इस्तेमाल कीजिएगा तो सबसे बेहतर होगा। और अगर आपका फूल का साइज बड़ा है तो आप बड़ा वाला ब्रश इस्तेमाल कीजिए, लेकिन किनारे के लिए पतला ब्रश ही लीजिए, सही रहेगा। देखिए, ये हमने पत्ती तैयार किया। जिस तरह हम ये पंखुड़ी कलर किए हैं, ठीक
ठीक उसी तरह हम इस फूल की भी पंखुड़ी तैयार करेंगे।